दोस्तों, आज के इंटरनेट वाले जमाने में लोगों की जिंदगी में मिर्च मसाले की कोई कमी नहीं है। ब्लॉगर से लेकर लाइफ हैक्स करने वाले लोगों तक हर कोई दर्शकों को इंटरनेट का डेली डोज देने में लगा हुआ है। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए बाकियों से कुछ हटकर कुछ लाएं, जिसे देखकर आपकी बोरियत छूमंतर हो जाए। और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ ऐसी ही अनोखी चीजें लेकर आए हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। फिर चाहे वो कैमरे वाली आंखें हो या फिर गाड़ी की रफ्तार से भागने वाली डस्टबिन हो, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, बिना एक भी पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये जबरदस्त वीडियो। एनाटॉमी ज्वेलरी। आप लोगों ने ऐसे कई सरफिरे लोगों को देखा होगा जो दुनिया की भीड़ में खुद को अलग दिखाने के लिए अपनी बॉडी में तरह तरह के बदलाव करते हैं। कुछ तो बॉडी में इस तरह के परमानेंट चेंजेस कर देते हैं कि उन्हें देखकर कोई भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा ले। पर अब दुनिया एडवांस हो रही है और आपको बाकियों से अलग बॉडी स्ट्रक्चर पाने के लिए महंगी महंगी प्लास्टिक सर्जरी और दर्द से गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ ऐसी एनाटॉमी ज्वेलरी आ गई है जिनकी मदद से आप किसी को भी हैरान कर सकते हैं। फिर चाहे वो नकली उंगलियों वाली अंगूठी हो या फिर नकली कान वाली ईयर रिंग, जिन्हें पहनकर ऐसा लगता है कि आपके दो दो कान हैं। अब दोस्तों, देखने में तो ये डेफिनेटली आपकी बॉडी का ही हिस्सा लगते हैं, खास करके ये 6 उंगलियों वाली अंगूठी। पर इन्हें पहनना उतना ही आसान है जितना बाकी ज्वेलरी को है। हालांकि आपकी इस नकली उंगली में हड्डी वगैरह तो नहीं है, पर देखने वाले को ये बिल्कुल असली लगते हैं। यहाँ तक कि इस तरह की ज्वेलरी अलग अलग स्किन कलर में भी आती है, ताकि इंसान अपने स्किन टोन के हिसाब से इन्हें खरीद कर एक अलग ही रूप पेश कर सके। साइबॉर्ग फिल्म मेकर। अब भाई लोगों, इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी टर्मिनेटर फैन को देख रहे हैं जिसने मूवी के कैरेक्टर को रियल लाइफ में धारण किया है। पर हम आपको बता दें कि असल में ये शख्स जिसका नाम रॉब है, ये एक डायरेक्टर है, और इनकी आंखों में जो डिवाइस है वो असली है, क्योंकि बचपन में एक हादसे के कारण इनकी सीधी आंख की रोशनी चली गई थी। पर जब ये बड़े हुए तो इन्होंने इसका एक अलग ही इलाज ढूंढ निकाला, जिसमें इन्होंने अपनी आंखों के लिए एक बायोनिक आई कैमरा तैयार करवाया, जिसे अपनी आंखों में फिट कर सकें और उसी से चीजें रिकॉर्ड करें। अब सुनने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये अपनी आंखों में लगी इस डिवाइस की मदद से जो कोई भी चीज देखते हैं वो कैमरे की तरह रिकॉर्ड होती है, और बाद में ये मोबाइल फोन या लैपटॉप वगैरह में उसे आराम से देख सकते हैं। और अब तो इनके इस कैमरे में इतनी एडवांसमेंट हो गई है, ये तुरंत अपने इस कैमरे वाली आंखों से जो कुछ भी देखेंगे उसे स्क्रीन पर प्ले कर सकते हैं, जो कि वाकई में बहुत कूल है। और इनका ये कहना है कि एक दिन ये अपने इसी आंखों वाले कैमरे से एक पूरी फिल्म बनाकर तैयार करेंगे, जो कि एक अलग ही तरह का रिकॉर्ड कायम करेगी। फास्ट बेन। दोस्तों, अगर आप स्पीड के दीवाने हैं तो आपको अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को फरारी या फिर बाकी महंगी गाड़ियों को खरीदने में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बात स्पीड की आती है तो वो आपको डस्टबिन भी आराम से दे सकती है। अभी सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन हमें विश्वास है कि इस अनोखे अजूबे को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, एंडी नाम के ब्रिटिश इंजीनियर ने बाइक का इंजन इस बड़े से डस्टबिन कैन में लगा दिया, जिसमें गियर बॉक्स से लेकर इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म तक की हर एक चीज मौजूद है, जिसकी मदद से इंसान बड़े आराम से इसमें अंदर बैठकर किसी भी हाई स्पीड वाली गाड़ी जितनी स्पीड में इसे चला सकता है। और तो और, इसी स्पीड के चलते एंडी ने अपनी इस गाड़ी से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है। इंसेक्ट विद 3D ग्लासेस। अब चलिए दोस्तों, आपको एक और हैरान करने वाली चीज से रूबरू करवाते हैं, क्योंकि हम इंसानों की दो आंखें होने की वजह से हम चीजों को 3D में देखने के साथ साथ उसके डिस्टेंस का भी अंदाजा लगा सकते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी है कि कीड़े मकोड़े अपनी आंखों के जरिए कैसे देखते हैं? हमें पता है इस चीज की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के कुछ वैज्ञानिकों ने प्रेइंग मैंटिस नाम के इंसेक्ट को अपने रिसर्च के लिए चुना, और इन्हें चुनने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये इंसेक्ट अपनी हंटिंग स्किल के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, जो अपने से बड़े क्रिएचर तक का शिकार करते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का इस इंसेक्ट के बारे में ये कहना है कि ये अपने शिकार की दूरी बहुत क्लियरली देख सकते हैं। और इस थ्योरी को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रेइंग मैंटिस के सर को वैक्स की मदद से सेट कर दिया, क्योंकि ये बड़ी आसानी से 180 डिग्री तक घूमकर चीजें देख सकते हैं, और फिर इनकी आंखों में ठीक वैसे ही 3D ग्लासेस लगा दिए जैसे हम सिनेमाघरों में लगाते हैं, जिसके बाद इन इंसेक्ट्स को 3D वीडियोस दिखाई गई
और उन्हें देखने के बाद ये ठीक वैसे ही अपने हाथ पैर चला रहे थे जैसे हम 3D मूवीज देखते वक्त चलाते हैं। और यही चीज इस बात का प्रूफ है कि ये इंसेक्ट्स भी हमारी तरह चीजों की दूरी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। वियर टैटू। हम ये बात पूरी तरह से समझते हैं कि जिन लोगों के शरीर में कोई भी टैटू नहीं है वो ये मानते होंगे कि इस तरह की चीजें बेफिजूल की होती हैं। पर दोस्तों, इतनी जल्दी जजमेंटल होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अपनी बॉडी में टैटू कराने का अपना अलग ही मतलब होता है। कुछ लोगों को ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन उस इंटरेस्ट के चक्कर में कुछ लोग ऐसे अजीबोगरीब टैटू भी करवा लेते हैं जिनकी कल्पना कर पाना भाई हमारे बस की बात तो नहीं है। अब जैसे कि US में रहने वाली एमिली को ही देख लीजिए, जिन्होंने एक दिन अचानक से ही रेनबो कलर की फिश वाली कुर्सी देखी और फिर इसी तरह की कुर्सी अपने पास भी रखने की इच्छा जताई। अब कुर्सी तो इन्होंने बहुत ढूंढी लेकिन नहीं मिली, जिस वजह से इन्होंने अपने दिल की तसल्ली के लिए उस कुर्सी के डिजाइन का टैटू ही बनवा डाला। पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो तब हुई जब इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर सेम ऐसी कुर्सी देखी और उस कुर्सी के डिजाइन के प्रति अपने प्यार को दिखाते हुए इन्होंने उस पोस्ट के कमेंट में अपनी इस टैटू वाली पिक्चर को पोस्ट किया, जिसे देखकर कई सारे लोगों ने मिलकर खुद एमिली को काफी दूर से एक कुर्सी भिजवाई। तो दोस्तों, देखा आपने, एक टैटू इंसान को उसका मनपसंद फर्नीचर देने के साथ साथ इतने सारे अनकंडीशनल दोस्त भी दिला सकता है। पेट रॉक्स। दोस्तों, अब इस स्टोरी को कई सारे लोग लास्ट सेंचुरी के सबसे बड़े घोटाले में से एक मानते हैं, लेकिन हम इसे क्लियर कट मार्केटिंग स्ट्रेटजी मानेंगे, क्योंकि किसी ने भी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेट रॉक्स की, जिन्हें पालतू जानवरों की जगह बेचा जा रहा था। असल में दोस्तों, ये क्रेजी प्रोजेक्ट 1975 में लॉन्च हुआ था, जब लोगों को अपने पालतू जानवरों से कुछ ज्यादा ही दिक्कतें शुरू हो गई थी। और इसी चीज को देखते हुए अमेरिकन एडवर्टाइजर गैरी ने एक आइडिया निकाला, जहां उन्होंने पत्थरों को पालतू जानवरों की जगह लोगों को बेचना शुरू कर दिया। और इनकी सबसे बेहतरीन मार्केटिंग स्किल्स तो ये थी कि जो कोई भी इन पत्थरों को खरीदता था उन्हें उनका पालतू जानवर तो मिलता ही मिलता, साथ ही साथ उन्हें ना ही इन्हें खिलाने पिलाने का खर्चा उठाना पड़ता और ना ये पत्थर पालतू जानवरों की तरह घर गंदा करते हैं। और इसी कारण गैरी इन पत्थरों को बड़े अच्छे तरीके से पैक करते हैं, मानो पैकेट के अंदर पत्थर ना होकर हीरे जवाहरात पैक हों। यानी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का खर्चा मात्र पैकिंग का ही होता था। और पैकेट के अंदर इन पेट रॉक्स को कैसे हैंडल करना है, इसके भी पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते थे। और इनकी इसी अद्भुत मार्केटिंग स्किल की वजह से इन्होंने करीब 15 लाख पत्थर बेच डाले, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा अमीर बन गए। और फिर बाद में लोगों को समझ में आया कि ये सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं था। पर अब शायद ही कोई एक पत्थर को पेट के तौर पर रखना चाहेगा, लेकिन स्पेन में रहने वाले होजे पत्थरों से इस तरह की कलाकारी करते हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में रख कर इनसे सजावट करना पसंद करेगा। जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि इनके द्वारा डिजाइन किए गए पत्थर एक अलग ही तरह की खूबसूरती दिखाते हैं। हॉर्सेस विद मुस्टैच। मर्द की शान कही जाने वाली मूछों के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी घोड़े की मूछ होते हुए देखा है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ बैठे ही आपको दुनिया भर के अजूबे दिखाने के लिए हैं। तो दोस्तों, कई सारी घोड़ों की प्रजाति की मूछें निकलती हैं, और ये बात आपको घोड़े पालने वाले लोग बड़े अच्छे से बता सकते हैं, जैसे कि आप इन छोटी छोटी स्टाइलिश मूछों वाले घोड़ों को भी देख सकते हैं, जिन्हें देख कर लग रहा है कि ये अलग ही फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह इतना कुछ होते हुए भी आपकी नजरों से बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। पर चिंता मत करिए, हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। बाकी आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।